करते हैं कि हर शुक्रवार को हम लोग सेशन करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फिर से एक बार। और जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हम लोग का आज का सेशन शुरुआत का होता है, और शुरुआत यानी कि सिस्टम। कोई भी कंपनी आज के समय में इसी सिस्टम पे काम करती है और जाकर के लोगों को सफलता दिला रही है। और निश्चित से इस शुरुआत सेशन को हम सिस्टम का नाम दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो अगर इन सिस्टम का हम लोग को भी सफलता मिलेगी और जल्दी सफलता मिलेगी। होता क्या है कि बहुत सारे लोग अपना दिमाग लगाने लगते हैं। मैंने भी दिमाग लगाया था, सच्ची बात है, इसलिए सफलता देरी से मिल रही थी। लेकिन जब हमने ये गलती, लोग करते ही हैं, बार बार गलती करते हैं, मैक्सिमम लोग ये गलती करते हैं। तो अगर हमने गलती की और लोग गलती कर रहे हैं तो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं, तब है कि जितनी जल्दी हम सुधर जाए उतना अच्छा होगा। तो इस सेशन यानी कि शुरुआत सेशन, जिसको कि सभी लोग के लिए सुनना जानना जरूरी होता है, और इस शुरुआत सेशन के बल पे ही हम अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते। अजीता से दूर रहे हैं या सफलता प्राप्त करने में उनको परेशानी हुई है या उनको ज्यादा समय लगा है, तो हम चाहते हैं कि वो गलती आप ना करें और वो गलती हम भी दोबारा ना करें, ताकि सफलता हम लोग को जल्दी मिले। तो शुरुआत सेशन को शुरू करने के लिए आ रही हम लोग के बीच में कविता जी हैं। कविता जी जो कि लाइब्रेरियन है, मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं और यूट्यूबर भी हैं। बहुत अच्छा बोलती हैं और तो हम चाहेंगे कविता जी को बुलाना। कविता जी आइए और सेशन को शुरू करिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ पर उपस्थित सारे गुरुजनों को मेरा शत-शत नमन। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार के दिन हम शुरुआत सेशन करते हैं। तो इसी शुरुआत की कड़ी में हम लोग आगे चलते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। बिजनेस तो आपने शुरू कर लिया, पर शुरुआत में किन चीजों का हमें ध्यान रखना होगा, तो समझते हैं कि हम किन चीजों को ध्यान रखेंगे जिससे हम अपने बिजनेस को अच्छी तरह से कर सके। सर, स्लाइड्स शेयरिंग। कहा जाता है कि उठो, जागो, लक्ष्य की प्राप्ति तक निरंतर चलते रहो। तो होता ही है ना कि जब हम स्कूल जाते हैं, पहली बार जाते हैं, तो एक छोटा सा बच्चा जो होता है वो रोने लगता है। उसका रीजन यही होता है क्योंकि उसे डर लगता है कि क्या होगा, कैसे होगा। इसी तरह से जिंदगी में भी हम कोई भी काम की शुरुआत करते हैं तो यही होता है कि हमें पता नहीं होता कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। और ऐसे में यदि आपकी अपलाइन आपका हाथ थाम ले तो कितना अच्छा होगा। और इसी तरह से इस बिजनेस को संभालने के लिए, हमारे साथ शुरुआत करने के लिए हमारी अपलाइन हमेशा साथ होती है। अब डिसाइड आपको करना होता है कि आप इस बिजनेस की शुरुआत कैसे करेंगे और अपने जो अपलाइंस है उनकी बातों को कितना गहराई तक लेंगे। होता यही है ना कि आपको लगता है कि हमको सब आता है, हम बहुत समझदार हैं, पर ये समझदारी कहीं काम में नहीं आती जब तक आप अपलाइन का हाथ ठीक से थाम नहीं लेते और उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेते हैं। और समीर मोदी जी का कहना है कि आप एक कदम चलो तो मैं दो कदम चलूंगा। तो ये बात होती है शुरुआत की। और जिस तरह से मोबाइल में 10 डिजिट होते हैं, उसी तरह से 10 कदम भी होते हैं। और यदि डिजिट एक नंबर भी इधर उधर हो जाता है तो हम अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं, हम अपनी अचीव नहीं कर सकते अपने गोल को। तो ये 10 कदम आजादी के होते हैं,
ये कदम पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन से कदम होते हैं। पहला है सपोर्ट चार्ट, गोल सेटिंग, प्रोस्पेक्ट लिस्ट, सेल्फ यूज, शेयर, स्पॉन्सर, स्ट्रक्चर, रोल मॉडल, पर्सनल प्रोग्रेस और डुप्लीकेशन। ये 10 कदम होता है। आप सभी जानते हैं कि मोबाइल का एक भी डिजिट आगे या पीछे हुआ तो आप अपने गंतव्य व्यक्ति से बात नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह से ये 10 कदम आप ही को देखने होते हैं कि किस तरह से हमको चलना है। अब इसका पहला कदम है सपोर्ट चार्ट। सपोर्ट चार्ट सबसे पहले आपको आपकी डायरी में लिख लेना चाहिए इसको, और आपके जो स्पॉन्सरर हैं उनका नाम, उनका फोन नंबर, अपलाइन का, अपलाइन आपके डायरेक्टर कौन है, सीनियर डायरेक्टर कौन है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टिल जीबीडी, सबके नंबर्स आपको लिख लेने चाहिए। नंबर होना बहुत जरूरी है। साथ ही हमको कंपनी का भी सपोर्ट चार्ट मिलता है। कंपनी का सपोर्ट चार्ट में आजादी का कॉल सेंटर होता है, एमएससी का नंबर आपके पास होना चाहिए, इसके अलावा टोल फ्री नंबर्स भी होते हैं, तो ये सारे नंबर्स आपको हमेशा अपने पास रखने होंगे। फिर है दूसरी चीज आ जाती है गोल सेटिंग। हम सभी की जिंदगी में सबका कुछ ना कुछ गोल होता है, चाहे वो आप वर्क लाइफ बैलेंस करना चाहें, चाहे आप एक बड़े घर का सपना देखते हो, चाहे आप एक अच्छी सी कार का सपना देखते हो सकता है कि कुछ लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं, तो कुछ लोगों की जिंदगी का गोल होता है कि हमें अपनी जिंदगी में फॉरेन ट्रिप्स करना है, या हमें अपने बच्चों को इतनी अच्छी एजुकेशन देनी है कि वो सारी चीजें उनको मिल सके, या कुछ लोगों का सपना ये भी हो सकता है कि हमें बहुत अच्छे से चैरिटी करनी है। तो ये सारी चीजों के लिए क्या जरूरी है इसे हम समझ लेते हैं। तो आपको आपका गोल सबसे पहले लिखना होगा। गोल जब तक हम लिखेंगे नहीं और सेट नहीं करेंगे तब तक आप आगे बढ़ेंगे नहीं। अब गोल सेटिंग में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको गोल 3 तरह से सेट करने चाहिए। एक शॉर्ट टर्म होगा, एक मिड टर्म होगा और एक लॉन्ग टर्म होगा। इन सारे गोल्स को आप लिख लीजिए और गोल्स के साथ में जो भी गोल आपने लिखा है उसके साथ में डेट जरूर डालिए। आपका गोल स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट यानी स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, एक्शनेबल हो, रियलिस्टिक हो और टाइम बाउंड हो। स्पेसिफिक मतलब यदि आपका गोल है आपको एक कोई कार चाहिए, कौन सी कार चाहिए, तो आपको ये लिख लेना होगा कि मुझे ये वाली इस मॉडल की कार चाहिए। मेजरेबल होना चाहिए, आपका जो भी सपना है वो मेजरेबल होना चाहिए और ऐसा हो कि जिसके ऊपर हम एक्शन कर सके, और साथ ही रियलिस्टिक सपना भी हो। यदि आप सोचे कि मैं तो बस बिजनेस आज शुरुआत किए और कल ही मैं चांद के ऊपर जाके अपना घर बना दू, दैट इज नॉट रियलिस्टिक। और इसको समय सीमा में बांधना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से आपको अपनी जिंदगी में गोल सेट करने होंगे। अब गोल सेटिंग के बाद थर्ड स्टेप होती है प्रोस्पेक्ट लिस्ट। प्रोस्पेक्ट लिस्ट क्या होती है? आपको एक लिस्ट बनानी होगी। इस लिस्ट में आपको क्या क्या लिखना है, आप सिर्फ फ्रेंड्स ध्यान रखिए। सबसे पहले अपने दोस्तों के नाम लिखिए उस लिस्ट में, फिर रिलेटिव्स के नाम लिखिए, आपकी इंडस्ट्री यानी आप जहाँ पे भी आपका वर्किंग प्लेस है, ऑफिस है, वहां पे जिन लोगों को आप जानते हैं उनके नाम लिखिए। ई कॉन्टेक्ट आप लिख सकते हैं। ई कॉन्टेक्ट में आप फेसबुक के कॉन्टेक्ट ले सकते हैं, इंस्टाग्राम से कॉन्टेक्ट ले सकते हैं, हमारे नेबर्स यानी पड़ोसी के भी नंबर हम लिख सकते हैं। और इसी तरह हमको डायरेक्टरी का भी उपयोग करना है। अब आजकल के जमाने में डायरेक्टरी तो यूज होती नहीं है, पर फोन के ऊपर डायरेक्टरी या बहुत सारे अननोन नंबर हमको मिल सकते हैं, वो इस तरह से डायरेक्टरी का ही काम करेंगे। और उसके बाद आ जाता है एस यानी स्ट्रेंजर। आप कहीं पे भी जाते हैं तो आप अपनी एक हैबिट डेवलप कर लीजिए, आपकी आदत डेवलप कर लीजिए कि स्ट्रेंजर से आप कॉन्टेक्ट ले ही लें। और वाकई ये काम करता है। आप एक आपको शुरू में हो सकता है कि संकोच लगे कि कैसे नहीं, फिर आप उस चीज के यूज्ड हो जाते हैं और आप किसी स्ट्रेंजर से भी आप कॉन्टेक्ट नंबर ले सकते हैं। और प्रोस्पेक्ट लिस्ट कि जब हम प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाएंगे तो इसको हमको बाकायदा अपनी कॉपी में किस तरह से नोट डाउन करना है, कॉपी हो सकती है, नोटबुक हो सकती है, आपकी डायरी हो सकती है, उसमें आप सबसे पहले नाम लिखेंगे, फोन नंबर लिखेंगे, प्रोफेशन लिखेंगे, फिर उनसे मीटिंग, 4 मीटिंग की डेट्स डालेंगे,
और उनका क्या कमेंट था उसमें कमेंट भी आप लिखेंगे। जैसे पहली बार आप मिले और उन्होंने बोला कि हाँ भाई मैं 1 तारीख के बाद आपको बताऊंगा, तो आपको उसमें नोट डाउन कर लेना होगा कि 1 तारीख के बाद में इनसे मिलना है। होता क्या है, दिन भर में बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में होती है और हम भूल जाते हैं, इसलिए हमें ये लिखन लेना जरूरी होता है। इसी तरह सेल्फ यूज की बात आती है, तो सेल्फ यूज जब तक हम नहीं करेंगे प्रोडक्ट प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे और ना ही ऑब्जेक्शन को हैंडल कर पाएंगे। और आप सभी जानते हैं कि बियॉन्ड ब्लू का कलर कलर चेंजिंग फॉर्मूला है। यदि आपको ही नहीं पता है कि उसका कलर चेंज हो जाता है, यदि आपने खुद ने सेल्फ यूज नहीं किया है, तो आप किसी और को क्या बता पाएंगे, तो आप प्रॉपर वे में ऑब्जेक्शन हैंडल नहीं कर पाएंगे। आपने किसी को दिया और उस कस्टमर ने बोला कि अरे इसका तो कलर चेंज हो जाता है, आपका तो ये आपने पुराना दे दिया है, तो आपको खुद को जब तक पता नहीं है आप कैसे किसी को बता सकेंगे कि हाँ सच में इसका कलर चेंज होता है। तो आपको सेल्फ यूज तो करना ही होगा, जब आप सेल्फ यूज करेंगे तभी आप अपने ऑब्जेक्शन को हैंडल कर पाएंगे। अब सेल्फ यूज में क्या होता है, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आप 3,000 की बास्केट के ऊपर जाते हैं, 3,000 के बास्केट में हमारे पास मुरक्कन ऑर्गन ऑयल, राइस ब्रॉन ऑयल, स्टेरी क्लीन शैम्पू, फ्रूट ऑफ द अर्थ का क्लींजर और वंडर ड्रॉप, चाय पत्ती, आपका एसेंशियल डियो, वेल का प्रोडक्ट, बियॉन्ड ब्लू और सोफ, प्रोटीन पाउडर, इस तरह से कुछ प्रोडक्ट आप रेडीली ले सकते हैं। ये एक सिंबॉलिक है, आप चाहे तो दूसरे भी प्रोडक्ट आप इसमें एड ऑन कर सकते हैं, हमारे पास काफी बड़ी रेंज है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी बास्केट को बड़ा करना चाहते हैं, तो उस केस में आप फ्रीडम ऐड कर लीजिए, आप उसमें और दूसरे प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, डियो और भी वेल के प्रोडक्ट्स, शैम्पू, इस तरह से आप और भी प्रोडक्ट्स उसमें ऐड कर सकते हैं। अब स्टेप नंबर 5 आती है शेयरिंग की। शेयर यानी क्या, शेयर मतलब आपको अपॉइंटमेंट लेनी होगी किसी को भी। आपको जब बिजनेस ज्वाइन किया आपने, तो आपको डेफिनेटली अपॉइंटमेंट लेनी होगी, और इसके लिए आपको आपके फोन का उपयोग करना होगा। और शुरू में आप हिचकते हैं, तो बेहतर है कि आप 3-way कॉलिंग करें, यानी आप अपने साथ अपनी अपलाइन को भी साथ रखें और किसी प्रोस्पेक्ट से बात करें, ये बहुत अच्छा तरीका है। और इसके बाद प्रेजेंटेशन की बात आती है, तो प्रेजेंटेशन में हम 1-on-1 प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, या हम चाहें तो होम मीटिंग कर सकते हैं, हम उन्हें परिवर्तन या सेमिनार भी दिखा सकते हैं। आपको प्रेजेंटेशन देना चाहिए। फिर उसके बाद में फॉलो अप आपको 48 आवर्स में यानी 48 घंटे के अंदर ले लेना जरूरी है। उसका रीजन ये है कि 48 आवर्स के बाद, ये एक स्टडी कहती है कि 48 आवर्स के बाद में आप चीजों को भूलने लगते हैं, भूल जाते हैं, आपका ब्रेन चीजों को याद नहीं रख पाता। फिर SW5 फॉर्मूले को भी आपको याद रखना होगा, सम विल सम वोंट सो व्हाट शो द प्लान समवन इज वेटिंग फॉर यू। तो ये चीज होती है फॉलो अप में, आपको ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। और 5 golden rules कॉइन का फॉर्मूला भी बहुत अच्छी तरह से काम करता है। जैसे आप अपने पास कहीं भी, आप हर दिन सुबह जब घर से निकलते हैं, तो 5 coins अपनी पॉकेट में रख लीजिए, और इन 5 coins को आप जब जब एक एक को प्लान दिखाते जाते हैं, तो एक एक कॉइन को इंटरचेंज करते चले, जैसे लेफ्ट पॉकेट में रखा है तो राइट पॉकेट में कर लीजिए, और सारे जब जाते पांचों के पांचों ही क्लियर हो जाते। अब बात आती है स्पॉन्सर की। आपने स्पॉन्सर तो कर दिया किसी को, पर आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि उनका KYC भी कंप्लीट हो, NEFT कंप्लीट हो, पेन डिटेल्स कंप्लीट हो, और उनका फर्स्ट ऑर्डर प्रॉपरली डल जाए। साथ ही यदि वो पहले ऑर्डर डाल चुके हैं, तो लॉयल्टी प्रोग्राम में उसका हिस्सा बने हैं या नहीं, आप उनको शुरुआत सेशन में इनवाइट कर सकते हैं, और आप उनको लगातार सपोर्ट भी करते रहें और गाइड भी करते रहें, लीड भी करते रहें। तो ये सारे पॉइंट्स स्पॉन्सरिंग के वक्त के बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। फिर स्ट्रक्चर पे आपको ध्यान देना होगा कि आपने बिजनेस स्टार्ट तो कर लिया, पर आपका स्ट्रक्चर कैसा हो। आपको बिजनेस सिर्फ आपको विड्थ में नहीं डेवलप करना है, या सिर्फ डेप्थ में ही डेवलप नहीं करना है, आपको आपका स्ट्रक्चर प्रॉपर होना चाहिए, बैलेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए।
जब आपका बैलेंस स्ट्रक्चर होगा और टीम वर्क होगा तभी आपकी इनकम हाई आएगी, मतलब अच्छी आमदनी के लिए आपको बैलेंस स्ट्रक्चर और टीम वर्क दोनों को ध्यान में रख के बिजनेस को करना होगा। अब पहले महीने में आपने ज्वाइनिंग किया और आप 100 पीवी करते हैं, आप कंसल्टेंट कहलाते हैं, उस केस में आपके पास आपको एपीबी 189 रुपीस, आपका रिटेल मार्जिन होगा 1080 रुपीस और न्यू ज्वाइनिंग ऑफर के तहत आपको 500 रुपए लगभग मिलेगा, तो इस तरह से टोटल 1769 रुपए का आपको प्रॉफिट हो जाता है। अब आपने पहले महीने में ज्वाइन किया और आपको सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगे, तो निश्चित रूप से आप किसी से शेयर करेंगे और आपके साथ में आप खुद सेकेंड मंथ में आपने खुद ने 100 पीवी किया, आपने ए और बी को प्लान दिखाया और उन दोनों ने भी 100 पीवी किया, आप बन जाते हैं सीनियर कंसल्टेंट और सीनियर कंसल्टेंट यानी 10% के लेवल पे आप पहुंचते हैं। आपको मिलेगा एपीबी मिलेगा 432 रुपीस, एफएसपी मतलब फास्ट स्टार्ट प्रोग्राम के अंतर्गत 700 प्रोडक्ट्स मिलेंगे, साथ ही रिटेल मार्जिन 1080 रुपए का होगा और रीपर्चेस ऑफर में आपको 500 रुपीस अप्रोक्सीमेटली मिलेगा, तो इस तरह से टोटल 2762 रुपीस का आपको इनकम हो जाती है। अब आप थर्ड मंथ में आपने खुद ने आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो जाते हैं, यदि आप आपने खुद के 100 पीवी किए और आपने दो लोगों को पहले ही बिजनेस दिखा दिया था ए और बी को, उन्होंने भी सेम काम को किया, दो लोगों को दिखाया और 100 पीवी उन दोनों ने भी किया, मतलब A1 A2 ने 100 पीवी किया और B1 B2 ने भी 100 पीवी किया और आपने इसी समय CDE और F चार लोग और आपसे जुड़ गए, तो आप 13% के लेवल पे हो गए और आप कहलाए असिस्टेंट सुपरवाइजर। आपका APB होगा 1485 रुपए, रिटेल मार्जिन 1080 रुपए, रिपर्चेज ऑफर 500 रुपए, टोटल 3065 रुपीस का आपको बेनिफिट होगा। स्टेप नंबर 8 आती है बी अ रोल मॉडल। आपको हमेशा अपने आप को एक रोल मॉडल के रूप में ही लीड करना है और आपको 100% सेल्फ यूज करना है। जो भी प्रोडक्ट मोदी केयर में आते हैं वो ये जरूरी है कि आप सारे प्रोडक्ट्स जो भी हमारी कंपनी बनाती है उसका सेल्फ यूजर 100% करें। फिर आपको प्लान्स हर दिन दिखाना है, प्लान में कोताही नहीं होनी चाहिए, आपको डेमो किट प्रॉपर वे में रखना है, आपके पास सारी डेमोस, आपको डेमोस की नॉलेज होनी चाहिए, डेमो किट में क्या क्या जरूरत होगी वो सारी चीजें रखनी है, आपको होम मीटिंग में इन्वॉल्व होना चाहिए, आपको एक अच्छे कोच और मेंटर भी बनना चाहिए। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे बहुत अच्छे कोच और मेंटर हरिशंकर गुप्ता सर हैं और हमारे आजादी अचीवर प्लेटफॉर्म के आशुतोष सर बहुत अच्छे मेंटर हैं, हर दिन हमें सिखाने के लिए तैयार होते हैं, तो आपको एक अच्छा कोच और मेंटर बनना है। साथ ही आपको पावर ड्रेसिंग, आपकी ड्रेसिंग प्रॉपर वे में होनी चाहिए, आपको मिरर टेस्ट कर लेनी चाहिए। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि जब भी आप कहीं जाते हैं तो आप एक बार अपने आप को कांच में देख लें कि क्या प्रॉपर वे में मैं दिख रहा हूँ या दिख रही हूँ, कि मैं कहीं बाहर अपने आप को इतनी अच्छी फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी का कंसल्टेंट के रूप में मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही हूँ या नहीं। तो आपका ड्रेसिंग प्रॉपर वे में होना चाहिए, आपको ये चीज भी अच्छा सा शर्ट पहना है, आपने पैंट पहना है, आप जींस नहीं पहने, जींस की जगह आप ट्राउजर्स पहने वो ज्यादा बेहतर होता है और टी शर्ट की जगह आप फॉर्मल शर्ट पहने वो ज्यादा बेहतर होता है, आपको अपने आप के लिए दिखाने के लिए। पॉइंट बहुत छोटा सा है पर बहुत महत्वपूर्ण है। और साथ ही आपको ये चीज का भी ध्यान रखना होगा कि आपने कपड़े तो बहुत अच्छे पहन लिए पर कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी चप्पल ही बहुत स्लीपर ही पहन के जाना है, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। साथ ही आप चेक कर लीजिए कि आपके मुंह से कहीं कुछ स्मेल तो नहीं आ रही है, यदि आपको ऐसा फील होता है, यदि आपको खुद ही ऐसा लग रहा है तो आपके पास दूसरा व्यक्ति क्या बैठेगा और क्या तो आपका प्लान सुनेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप ऐसी केस में हमारा मोदी केयर का शाही पान खाकर निकले या इलायची खाकर निकले ताकि आप में कॉन्फिडेंस बना रहे।
आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि आपको नए ही कपड़े खरीदने हैं, आपके पास जो भी कपड़े हैं वो प्रेजेंटेबल होने चाहिए, प्रॉपर वे में साफ सुथरे धुले हुए हो, उसके ऊपर प्रेस की हुई हो अच्छी तरह से, और आपको टीचेबल बनना है, यानी आपको सीखने के लिए तैयार होना है। कुछ लोग एक दो मीटिंग में आते हैं और फिर समझते हैं कि हमको तो सब आ गया। आज आप देखिए हमारे अपलाइन, चाहे वो हरिशंकर गुप्ता सर हो, रमेश सर हो या आशुतोष सर हो, कोई भी मीटिंग हो, चाहे वो संतोष सर की हो, पंकज सर की हो या आर्यदेव सर की हो, कोई भी मीटिंग मिस नहीं करते हैं, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे वो जूम पे हो, चाहे लाइव ही क्यों ना हो, तो हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं। तो लीडर्स की यही पहचान होती है कि वो हमेशा सीखने के लिए तैयार होते हैं। अब आप देखिए गुप्ता सर इतने समय से इस बिजनेस को कर रहे हैं, आज इस बिजनेस में जीबीडी है, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि उनको सब पता होगा? आपको डेफिनेटली हम लोगों से तो ज्यादा सर को पता ही है, तो भी वो सीखने के लिए तैयार होते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। आशुतोष सर को देख लीजिए, रमेश सर को देख लीजिए, शायद ही कोई मीटिंग ऐसी होती है जिसमें वो लोग इन्वॉल्व नहीं हो, तो ये एक अच्छे लीडर की पहचान है कि वो हमेशा सीखने के लिए तैयार। और पंचुअलिटी की बात करें, फिर से मैं अपलाइन पे आऊंगी और फिर वही एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि गुप्ता सर हो, रमेश सर हो या आशुतोष सर हो या सविता दीदी हो, टाइम की पंचुअल है, ठीक 5 बजता है और 5 बजे आजादी अचीवर के प्लेटफॉर्म पे हम सभी लोग होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ड्रीम क्लियर है कि हमें पता है कि हमें पंचुअल होना है, हमें कुछ पाना है तो पंचुअल तो होना पड़ेगा। 9th पॉइंट आता है, डोंट टॉक निगेटिव विथ एनीवन अबाउट एनीवन। कभी भी किसी से भी हमें किसी भी तरह की निगेटिव टॉक्स नहीं करनी है। आप सभी जानते हैं कि भगवान ने हमें एक मुंह दिया है और दो कान दिए हैं, उसका रीजन यही है कि आप एक मुंह से बोले और दो कान से सुने, यानी सुने अधिक बोले कम। और जब भी आप निगेटिव चीज बोलते हैं तो वो सीधे सबसे पहले आपके खुद के कान सुनते हैं, उसके बाद इस ब्रह्मांड में जाते हैं और ब्रह्मांड से लौट कर वही शब्द मल्टीपल होकर आते हैं। तो आप जो बोलेंगे, आप अच्छा बोलेंगे तो आपके पास लौट कर वही अच्छा आएगा जो आप बोलेंगे, यदि आप निगेटिव बोलेंगे तो निगेटिविटी आपके पास लौट कर आएगी। इसलिए आपको कभी भी किसी से भी किसी के बारे में भी निगेटिव टॉक्स नहीं करनी है। फॉलो द सिस्टम, आपको सिस्टम को फॉलो करना है। आपको अपलाइन बोलती है कि आपको मीटिंग्स में आना चाहिए, पर नहीं, हम तो नहीं आएंगे क्योंकि हमको सिस्टम को फॉलो नहीं करना है। फिर आप किस आधार पे सोचते हैं कि आपकी ग्रोथ प्रॉपर वे में होगी? यदि आप सिस्टम को फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी, इसलिए बेहतर है कि सिस्टम को फॉलो करें। स्टेप नंबर 9 आती है कि पर्सनल प्रोग्रेस। अब पर्सनल प्रोग्रेस में होता है जितने भी आपके टीम के या कंपनी के इवेंट्स होते हैं उन सभी को आप प्रॉपर वे में अटेंड करें। आपको एक पावर प्रेजेंटर बनना होगा, आपको तैयार होना होगा हर समय के लिए, यदि किसी भी दिन आपका टर्न आ जाए या आज आपका प्रेजेंटेशन है तो आप हमेशा प्रेजेंट करने के लिए रेडी रहें। आपको मास्टर बनना होगा समीर मोदी आजादी प्लान का, अनलिमिटेड का, और साथ ही आपको मास्टर बनना होगा डेमोज का। सारे डेमोज आपको आने चाहिए, जितने भी डेमोज आपके अपलायंस या कंपनी के द्वारा या आपको कहीं से भी पता चलते हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स के कौन कौन से डेमोज है, उसके हमको मास्टर बनना होगा और साथ ही वो सारे प्रोडक्ट्स रखने होंगे जो कि डेमोज के लिए जरूरी है। आपको ये चीज भी आनी है कि अपने अप्लायंस को किस तरह से एडिफाई करना है, और आपको अपने टेस्टिमोनियल शेयर करते आना चाहिए। कई बार ये होता है कि आपको पता ही नहीं, आप कई बार बड़ी मीटिंग्स में देख लीजिए, सुरेखा मैम की मीटिंग में देख लीजिए, तो वहां पे भी होता है, हम देखते हैं कि टेस्टिमोनियल बोला जाता है शेयर करने को, पर कुछ लोगों को पता ही नहीं होता कि इसको 2 मिनट में खत्म करना है या इसको पूरे सेशन में चलाना है। तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि कब आपको टेस्टिमोनियल छोटे से बताना है या कहाँ आपको पूरा आपका टेस्टिमोनियल शेयर करना है। आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना होगा। आज आशुतोष सर शादी में हैं और बावजूद इसके टाइम मैनेज कर रहे हैं,
कल वो मार्केट गए हुए थे, मार्केट में भी मीटिंग में थे, क्योंकि कमिटमेंट है और उनको पता है कि भले ही कुछ भी हो जाए मुझे टाइम को मैनेज करना ही है। या हम बात करें सविता दी की, सविता दी भी व्यस्त होती है घर के कामों में, पर फिर भी वो टाइम को मैनेज करके चलती ही है। तो ये चीज होती है, बिजी आज की दुनिया में कौन नहीं है। एक छोटे से बच्चे से भी आप बात करेंगे तो वो यही बोलेगा मैं बिजी हूँ। बिजी होना बड़ी बात नहीं है, बिजी होने से ज्यादा जरूरी है कि आपको टाइम को मैनेज करते आना चाहिए। और स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही कहा था कि आप व्यस्त नहीं होते हैं बल्कि आप अस्त व्यस्त होते हैं, इसलिए आपको टाइम नहीं मिलता। तो ये चीज आपको सीखनी होगी। फिर आपको ट्रेनिंग टूल्स आपके पास होने चाहिए, लिटरेचर आपके पास होना चाहिए, आपके पास ट्रेनिंग की वीडियोस होनी चाहिए, SPBM अकेडमी की वीडियोस आपके पास होनी चाहिए। आपको सारी ट्रेनिंग्स को अटेंड करना होगा कि बजाय करना चाहिए ही चाहिए। शुरुआत, रफ्तार, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, एडवांस वर्कशॉप, ये सारी चीजें जब तक आप अटेंड नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जैसा कि हम सभी 10th स्लाइड में देख सक रहे हैं कि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, आपको डुप्लीकेट करना होगा। और यहाँ आप देख सक रहे हैं कि ट्रू लीडर्स डोंट क्रिएट फॉलोअर्स, दे क्रिएट मोर लीडर्स। जो वास्तविक लीडर्स होते हैं वो फॉलोअर्स नहीं क्रिएट करते हैं बल्कि वो और भी ज्यादा लीडर्स क्रिएट करते हैं। और आपको एक लीड बाय एग्जाम्पल बनना होगा। आज आशुतोष सर शादी में हैं तो निश्चित रूप से उनकी टीम सीख रही है कि आप भले कहीं भी हो आपको मीटिंग में तो आना ही है। तो उनसे हम लोग सीख रहे हैं कि हमको, और वो लीड कर रहे हैं एग्जाम्पल के थ्रू, अपने आप को सेट कर रहे हैं। यदि हम गुप्ता सर की बात करें तो गुप्ता सर आज पुणे में हैं, बावजूद इसके इस मीटिंग में बैठे हैं। और रमेश सर की तो क्या बात करें, वो कहीं भी हो, चाहे वो गाड़ी पे हो, चाहे वो किसी कैंटीन में बैठे हो, हर दिन हर पल मीटिंग में होते हैं। तो ये क्या है, ये ट्रू लीडर की निशानी है कि वो अपने आप को सेट कर रहे हैं, एग्जाम्पल के रूप में लीड कर रहे हैं। तो यही चीज आपको भी करनी है क्योंकि ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आपको होम मीटिंग्स करनी होगी, आपको होम मीटिंग्स बहुत प्रॉपर वे में करनी ही होगी। आपको लगातार रेगुलर ट्रेनिंग्स भी अटेंड करनी होगी। आपके साथ लोग तो जुड़ गए पर उनको पता ही नहीं स्टेरी क्लीन कैसे यूज होता है। तो आपको ट्रेनिंग्स उनके लिए कंडक्ट करनी होगी, उन्हें सिखाना होगा कि किस प्रोडक्ट से क्या चीज फायदा होता है, क्या फायदा होता है और किसको कैसे यूज किया जाता है। इसी तरह आप सभी जानते हैं है वही बिकता है, इसलिए आपको प्रोडक्ट के डेमोस का प्रदर्शन करते आना चाहिए। तो टोटली ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, जैसा आप करेंगे वैसा ही आपको मिलेगा। और जैसा आप, आपको मैंने अभी शब्द का भी बताया कि आप जो बोलेंगे वही आपको मिलेगा। यदि आपकी इच्छा है कि आपको जो भी आपका गोल है उसको सेट कर लिया जाए और उसके ऊपर काम किया जाए तो निश्चित रूप से आपको वो गोल मिल जाएगा। पता नहीं कैसे होता है पर हो जाता है, और ये बहुत बड़ी पावर है कि हो ही जाता है। तो गोल सेट प्रॉपर वे में कीजिए। और समीर मोदी जी का अगला सेशन है वो है रफ्तार, तैयारी जीत की। और वो उनका यही कहना है कि आपके अंदर जो पावर है आप उस पावर को जाने और रफ्तार को पकड़े, इस बिजनेस में आगे बढ़े। थैंक यू सो मच, आप सभी ने मुझे बहुत पेशेंसली सुना। ओवर टू होस्ट। बहुत बढ़िया, बहुत शब्द दी, बहुत शब्दों में आपने शुरुआत सेशन को कंप्लीट किया और हम लोगों ने आज काफी कुछ सीखा इससे कि शुरुआत कैसे करनी है, हम लोगों को किस किस जगह पे काम करनी है, कौन सा जगह हमारा कमजोर है और उस कमजोर जगह को मजबूत बनाना है। तो समय ज्यादा बचा हुआ नहीं है लेकिन एक रिव्यू बनता है सविता दीदी का। सविता दी, आप अपने आप को अनम्यूट करें और आज के सेशन पर विचार रखिए। जी, माइंड ब्लोइंग सेशन।
गुड मोदी केयर मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू और सेशन में उपस्थित अपने गुरु श्रेष्ठ जीबीडी हरिशंकर गुप्ता सर को और आजादी अचीवर के महागुरु मार्गदर्शक प्रशिक्षक आशुतोष सर को स्वागत सत्कार के साथ मैं नमन करती हूँ। और आज के सेशन की बात करूं तो मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि इस शुरुआत सेशन को हर कोई लेता है, पर कविता जी जिस तरह से बताती हैं दिल खुश हो जाता है, दिल बाग बाग हो जाता है, खास करके लास्ट के 3 पॉइंट को जो कि बी अ रोल मॉडल और पर्सनल प्रोग्रेस और डुप्लीकेशन को वो इतना अच्छा से मतलब डील करती है, इतना अच्छा से प्रस्तुत करती हैं कि मन करता है कि मैं घंटों सुनती रहूं उनकी बातों को। बहुत अच्छा सेशन। और जैसा कि सबको पता है कि शुरुआत तो सबके लिए जरूरी है, है ना, एक मिशन के तहत एक खास मकसद को लेकर एक अहम विजन को सामने रखकर शुरुआत करते हैं तो यह 100% जरूरी है कि हम सब एक अच्छी शुरुआत करें। और सिर्फ शुरुआत हम ही नहीं करें, हम अपने लोगों को भी एक अच्छी शुरुआत करवाएं। अगर हम आजादी पाना चाहते हैं तो पहले लोगों को आजादी दिलानी होगी, तभी हमें आजादी मिलेगी। यह एक नेक व्यवसाय है, आप सिर्फ अपने लिए नहीं दूसरों के लिए आगे बढ़ाने के साथ साथ आप स्वयं आगे बढ़ते हैं। तो बस नेक इरादा से इस 10 स्टेप्स को फॉलो कीजिए और अपने टीम के लोगों से कराइए, यही करना है। और अंत में आज मैं अपने महागुरु आशुतोष सर को कोटि सर धन्यवाद करना चाहूंगी क्योंकि वही हैं और गुप्ता सर को भी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हम सबको दिए हैं सीखने के लिए और लीड करने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतने बिजी शेड्यूल में भी आज आशुतोष सर इस मीटिंग को कंटिन्यू किए, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और आज जो लोग भी उपस्थित हुए हैं, सेशन में बहुत कम ही लोग हैं, लेकिन जो लोग भी उपस्थित हुए हैं और इस सेशन को अटेंड किए उसके लिए सबको धन्यवाद और आभार। ओवर टू आशुतोष सर। थैंक यू सो मच। जी जी, और खास करके दिव्या और हर्षित दोनों शादी में इन्वॉल्व है, उसके बाद भी मीटिंग में ईयरफोन लगा के सुन रहा है, ये अच्छी बात है। तो काफी अच्छा सेशन था, तो आज हम लोग सेकेंड सेशन नहीं कर पाएंगे, हम लोग कल मिलते हैं रफ्तार वन में, शायद दीदी आप ही का सेशन है। जी जी सर, नहीं मेरा रफ्तार 2 है सर। हम लोग के साथ में होगा और हम लोग अपने रिकॉर्डिंग को सुने और कहां हम इसको और बेहतर कर सकते हैं, इसको करना है, समझना है, आगे बढ़ते रहना है। जी सर, धन्यवाद सर। मीटिंग को जी मीटिंग को विराम देते हैं, कल मिलते हैं फिर 5 बजे के।